हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपको सिखा रही हूँ भिंडियाँ। तो भिंडियों के लिए प्याज वाली भिंडियाँ हैं ये। इनके लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी ना, हाँ वो मैं आपको बताती हूँ कि क्या चाहिए इसमें। इसमें मेरी एक किलो के 1 kg जो हैं, 1 किलो इसमें भिंडियाँ हैं, 4 मेरी बड़े साइज़ की प्याज हैं, ऑनियन है, 4 ऑनियन हैं, और 4 ही मेरे टमाटर हैं, 4 टमाटर हैं, मीडियम साइज़ टमाटोज हैं, और ये गार्लिक है। गार्लिक को मैंने चॉप करके काट लिया है, ये चॉप हुआ हुआ है, देखें बारीक नहीं पिसा हुआ, ये पूरा एक वो है, पूरी एक कली थोम है पूरा एक ना गार्लिक का। तो और ऊपर से ये जो है मेरा होममेड गरम मसाला है, 1/2 teaspoon, आप देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा मेरी रेसिपीज़ में होममेड गरम मसाला। तो ये मेरा होममेड गरम मसाला 1/2 teaspoon है, और ये हल्दी टर्मेरिक पाउडर 1/2 teaspoon, क्रश चिल्ली 1 tablespoon है जी, 1 teaspoon है, और 1 teaspoon इसमें सॉल्ट है, 1 tablespoon इसमें क्यूमन सीड्स हैं, ज़ीरा है, और गार्निश के लिए लेमन है और चिली है, हरी मिर्च है ना। और मैं अब आपको बताती हूँ बनाना शुरू करते हैं। हम ऑयल डालते हैं जी। देखिए मैंने इसके अंदर ना ऑयल डाल दिया, 3 serving spoon ऑयल डाल दिया है मैंने। अभी मैंने इसमें चारों प्याजें जो मेरी हैं, मैंने ये प्याज ऑनियन जो भी कटी हुई है इसमें डाल दिए, डाल देना। इसको हमने हाई फ्लेम पे ही पकाना है, इसके लिए फ्लेम जो है हमने हल्की नहीं करना, आँच हल्की नहीं करनी है, हाई हीट पे ही इसको करना है। बस ये इसका कटिंग का काम है, आपको प्याज काटनी है, आपको टमाटोज काटने हैं तो इन चीज़ों में टाइम लगेगा, भिंडी काटनी है आपको इसमें टाइम लगेगा, मगर इसको पकाने में टाइम नहीं लगेगा ना, 10-15 मिनट में आपकी जो डिश है रेडी हो जाएगी। ऑनियन को हम हाई फ्लेम पे ही ज़रा सा सौते करते हैं। हाँ जी, देखिए बस मैंने इसको इतना ही फ्राई करना है ना ऑनियन को, कि बस ये ऐसी मतलब आपको वाइट नज़र आए, बस ज़रा सी दब जाए ना, इतना फ्राई करना है हमने इसको, ज़्यादा ब्राउन कलर वाला नहीं करना है इसका। गार्लिक जो मैंने देखें ऐसे चॉप किया हुआ है, ये पूरा एक गार्लिक है, इसमें गार्लिक का फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा, कोई आपको फील नहीं होगी, तेज़ी फील नहीं होगी इसकी। अगर आप चाहते हैं पूरा पूरा गार्लिक डालना, पूरी कली डाल मतलब कि पूरा उसकी कली डालना, वो पूरी आप डाल सकते हैं पूरे उसकी ना, पूरा एक लहसुन का वो ले लें बंच और उसकी पूरी की ऐसे निकाल के भी डाल सकते हैं, वो भी बहुत टेस्टी लगता है। और अगर ऐसे डालना है तो ऐसे भी डाल सकते हैं। तो बहुत सारी किस्मों की भिंडियाँ बनती हैं, मैं आगे आपको और बताऊँगी कि दूसरे मसाले वाली भिंडियाँ दूसरी हैं वो कैसे बनती हैं। ये वाली भी बहुत मज़े की बनती है प्याज के साथ, बच्चे वैसे तो नहीं खाते हैं लेकिन भिंडी फ्राई चॉप से खा लेते हैं मसाले वाली। इसको भी हमने ज़्यादा कुक नहीं करना है, जैसे ही मैं ये डाल दूँगी 2 मिनट तक, देखिए तो मैंने फ्राई वो किया है, चमचे चलाएँ इसके, बस 1-2 मिनट आप चम्मच चलाएँ इसके, ज़रा सा मिक्स कर दें। इसके बाद में अपनी जो भिंडियाँ हैं मेरी 1 किलो, ये मैंने इसमें डाल देनी है। भिंडियाँ ज़रा सी फ्राई करते हैं क्योंकि भिंडियाँ लेस छोड़ देती हैं, इस वजह से मैं अलग से फ्राई नहीं करती हूँ, क्योंकि लोग क्या करते हैं इसे डीप फ्राई करते हैं कि जी ये लेस नहीं छोड़े हांडी के अंदर ना, तो वो इतना ऑयल इसके अंदर चला जाता है, वो इट्स नॉट गुड कि आप इतने ऑयल के अंदर उसको फ्राई करें ना। वेजिटेबल तो वैसे ही लाइट खानी चाहिए, आप अगर इस ऑयल में अभी प्याज के साथ इसको फ्राई कर लेंगे तो ये लेस नहीं छोड़ेगी। ये देखें अब ये हो गई है सारी मेरी। अब इसके बाद मैं इसके अंदर जो डाल रही हूँ चिल्ली है मेरी, क्रश चिल्ली है, सॉल्ट है इसमें 1 teaspoon, क्रश चिल्ली है 1 teaspoon, सॉल्ट है। सॉल्ट और चिल्ली मिर्चें आप अपने अंदाजे से रख सकते हैं कि सॉल्ट आप ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं या कैसा, नमक भी अपनी मर्जी से रखें। ज़ीरा इसमें 1 tablespoon है, और ये जी हमारा टर्मेरिक पाउडर, हल्दी पाउडर जो है ये मेरा 1/2 teaspoon है इसके अंदर, गरम मसाला है 1/2 teaspoon, क्योंकि हम ज़्यादा नमक और मिर्च जो है ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाते हैं, तो ऐसे मैं इसमें मिर्चें कम रखती हूँ, लेकिन जिसमें ज़्यादा खानी है वो मिर्च और नमक ऐसी चीज़ है वो आप अपनी मर्जी के हिसाब से डाल सकते हैं।
इसको जरा से जरा फ्राई करेंगे ताकि इसके मसालों की इसमें खुशबू आ जाए। बहुत जल्दी बन जाती है ये ना, बस कटने का इसका टाइम है कि आपको भिंडी काटने में टाइम लगता है ज़रा, लेकिन ये कि बनती मज़े की है और जल्दी बन जाती है। पहले अगर काट के रख ली हैं ये सारी चीज़ें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसको फ्राई करने के बाद मसाले सारे मिक्स हो जाएं, मिक्स सारे स्पाइसेस, उसके बाद हमने टमाटोज डाल दिए इसके अंदर। टमाटोज डालने के बाद इसको मिक्स करेंगे 2 मिनट के लिए और इसको मीडियम फ्लेम पे इसको रख देंगे हम 10 मिनट तक बस। देन योर डिश इज डन। ये रेडी हो जाएगी 10 मिनट में ना, देखें। उसमें पानी वानी बिल्कुल नहीं डालिएगा, कोशिश ये करें कि सब्ज़ी में प्लीज़ पानी ना डालें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि सब्ज़ी उसमें प्याज है टमाटो है वही अपना पानी छोड़ेगा और उसके स्टीम में ही ये जो कुक है ना कुक हो जाएगी ये भिंडी। अब इसको मैं जो है ना मीडियम फ्लेम पे 10 मिनट्स के लिए इसको स्टीम कर रखा है। देखेंगे ऐसी हो गई है, अब डन। मुझे इसको क्रंची रखना है, ज़्यादा जो भिंडी को है सॉफ्ट नहीं करना है, इसको क्रंची रखें ताकि आपको खाने में मज़ा आए। अब ये देखें, अब इसका इतना पानी था कि भिंडियों के टमाटर में ही ये काफ़ी हो चुकी है। अब ज़रा सी देर में इसको फ्राई करती हूँ, उसका पानी खुश करते हैं और फिर इसको दिखाते हैं अभी सॉफ्ट करके। मैं आपको दिखाती हूँ अभी पानी इसका खुश करके ना। ये देखें कम्प्लीट हो गई हैं, अब इसमें कोई वो नहीं है, ज़रा सी बस गिलगिली सी है। तो अब आप इसको मैं डिश ऑफ करके आपको दिखाती हूँ कि ये कैसी लग रही है। आपको डिश ऑफ करके दिखाती हूँ, फ्लेम बंद कर देते हैं इसका। हाँ जी, ये देखें मैंने इसको गार्निश कर लिया है, लेमन इसके साथ लगा दिया है, एक हरी मिर्च लगा दी है मैंने ग्रीन चिली, और इसके ऊपर लेमन डाल के खाइएगा बहुत अच्छी लगेंगी। और जी दुआओं में याद रखिएगा, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करवाएँ और दुआओं में जी याद रखें। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो, और अच्छी लगे तो मुझे ज़रूर बताइएगा।